जैसे ज्ञानोडर्मा है इस तरह से इनका फेस भी चमकेगा। और हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं हमारा गैनोजी सोप, एंड इसको कैसे इस्तेमाल करना है क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज मैं इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी कैसे रोटेट मूवमेंट्स में हमको इस्तेमाल करना है। तो इनका बिफोर भी तस्वीर ली गई है और आफ्टर सोप जब हम वॉश करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि इसका क्या ग्लो आता है। इनके चेहरे पे अभी मैं करने जा रही हूँ, आप इनका बिफोर चेहरा देख रहे हैं और आफ्टर जब वॉश करेंगे तब आप इसका रिजल्ट देखेंगे। गैनोजी सोप हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको पानी स्प्रे करना है फेस पे। तो नॉर्मल पानी आप स्प्रे करना है बॉटल के अंदर, अभी यहाँ पर स्प्रे बॉटल है मैं स्प्रे करी, या तो आप लोग वॉश बेसिन में भी स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे द वॉटर, ओके, लाइक दिस स्प्रे करना है वॉटर। और फिर उसके बाद हमको सोप लेना है, गैनोजी सोप, पानी लेना है, पानी से उसका पूरा फॉर्म निकालना है इस तरीके से, इस तरीके से हमको फॉर्म पूरा निकालना है, क्रीमी बनाना है उसको, क्रीमी करना है पूरा। इस तरीके से क्रीमी बनाना है, उसके बाद हमको रोटेट मूवमेंट्स में लगाना है। बहुत से लोग सिर्फ नॉर्मल लगाते हैं, लेकिन इस सोप को हमको रोटेट मूवमेंट्स में लगाना है ताकि वो स्किन के अंदर जाके काम करे और ब्लड सर्कुलेशन होगा इससे। तो इस तरीके से हमको लगाने का तरीका इसका यही है, इस तरीके से लगाना है जैसे हम फेशियल के स्ट्रोक्स करते हैं उसी तरीके से हमको लगाना है, नोज पे भी और यहाँ पर भी। बहुत सी लेडीज को पिगमेंटेशन होता है या पिंपल्स होते हैं, तो पिंपल्स और पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है अगर इस तरीके से आप लोग लगाओगे, तो पिगमेंटेशन के लिए भी फायदा होगा और काफी लोगों को फायदा हुआ है। एक महीने के अंदर उनका पिगमेंटेशन जो सालों साल से उनके फेस पे था, एक महीने के अंदर वो खत्म हो गया है। लेकिन लगाने का तरीका हमारा यही है, इसी तरीके से रोटेट मूवमेंट्स में हमको इसको यूज करना है। नेक को नहीं छोड़ना है, गर्दन पे भी करना है, पूरा गर्दन, नहीं तो फिर दोनों में फर्क पता चलेगा, फर्क महसूस होगा। तो हमको नेक पे भी उसको करना है इस तरीके से, ये हुआ। और इतना टाइम हमको देना है, ये नहीं कि सोप जैसे हम नॉर्मल सोप यूज करते हैं लगाते हैं फिर फौरन वॉश करते हैं, नहीं, ये सोप में केमिकल नहीं है, पाम ऑयल है और गैनोडर्मा है। तो गैनोडर्मा, जैसे गैनोडर्मा चमक रहा है उसी तरीके से इसका स्किन भी चमकेगा। जब वॉश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी चमक है इसके फेस में भी और हमारा सोप कितना फायदेमंद है। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे, अभी ये हमने सोप लगा दिया है, हम लगा के छोड़ देंगे। जो हम लोग नॉर्मल सोप लगाते हैं, जो नॉर्मल लेते हैं, जो फिल्म स्टार्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लक्स वगैरह, वो लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाते हैं, वो लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए हमको दिखाते हैं, लेकिन उसको हम वो लोग यूज नहीं करते, वो लोग हमेशा इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के वक्त में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा सोप है, हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं और लोगों को उसका रिजल्ट भी दिखाते हैं, और उसका रिजल्ट हम 15 मिनट के बाद देखेंगे उसका रिजल्ट क्या आता है। 15 मिनट हमने इसके मुंह पे सोप रखा है, 15 से 20 मिनट ज्यादा ही टाइम हो गया है, लेकिन कोई हार्म नहीं क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है। और लगाने के बाद ये 15-20 मिनट बैठी रही। समीरा, यू फील समथिंग ईचिंग और एनीथिंग? नो, बिकॉज इसमें केमिकल नहीं है, केमिकल के बिना है इसलिए इनको कुछ ईचिंग नहीं हुई। अगर हम दूसरा कोई सोप अपने गाल पे लगाएंगे तो हमको ईचिंग शुरू हो जाएंगी। तो आपको बताने का तरीका और एक भी है, आप बता सकते हो एक गाल पे अपना सोप लगा के दूसरी गाल पे और दूसरा सोप लगा के, तो आप बता सकते हो उसमें कितनी ईचिंग आ रही है और कैसे आप फील कर रहे हो। तो ये सोप लगा के हमने 20 मिनट छोड़ा है, अब हम इसको क्लीन करने जा रहे हैं स्पंज के जरिए। इस तरीके से करके हमको इसको क्लीन करना है, क्लीन के बाद उसको ड्राई करना है और